ब्लॉग शूट हो रहा है गाइस। हेलो गाइस, अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि आप ये पॉकेट खाली है, इसमें बस ये SID कार्ड है। अब मैं इसको डालूंगा इधर। हमारी गाड़ी फंस गई है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वो सब अच्छे ही होंगे। देख सकते हो चंडीगढ़ में आज काफी धुंध पड़ी हुई है, सुबह का टाइम है और मैं आ चुका हूँ काफी मतलब लगभग 3 महीने के बाद व्लॉगिंग करना मतलब कैमरा वापस उठाया। उसका रीजन ये था कि मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक लग गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूँ, साथ ही साथ उसके बाद एग्जाम आ गए थे, तो बीच में कुछ ऐसे इशू था जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग मतलब 3-4 महीने कर नहीं पाया। तो आज सोच लिया फोन उठा ही लेता हूँ कैमरा, तो कर लेते हैं व्लॉगिंग। अभी फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 7:45 और यहाँ पर देख सकते हो विजिबिलिटी बहुत कम है, और सोच रहे हो कि मैं जा कर रहा हूँ, क्लास तो जा नहीं रहा। आज हमारा इंडस्ट्रियल टूर, तो देखते हैं क्या होता है, और पता नहीं मैं कैसे बना पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। चलो मिलते हैं आपको। और ये आज में आसमान की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोरा ही कोरा है, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। गाइस भारी बस का है, मुझे तो कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा है, या तो वो मुझे छोड़ के चले गए हैं या तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। हालांकि टाइम 7:30 का था और बज चुके हैं 7:50। चलो देखते हैं, वरना भाग के पकड़ना पड़ेगा बस को। ये देख लो, कुछ दिख ही नहीं रहा यार, जादू। तो ऐसा लग रहा है मैं मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहा हूँ, कितनी देर बाद इंसान देख लिए। ये इंसान नहीं, ये तो कुत्ते हैं, ये सामने इंसान, चलते हैं इनके पास, इनसे मदद मांगते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, 4 दिन जंगल में बिताने के बाद मुझे इंसान मिल चुके हैं। ये इंसान नहीं है, ये भी खुफिया सूत्रों से पता लगा है। और बस ही चला रहा है, बस ही चला रहा है हमारे ड्राइवर साहब। ये कंडक्टर, तो मैं क्या पीछे लटक के जाऊंगा? ये देखो, ये इनका इंडस्ट्रियल टूर हो रहा है। इधर सारा आया हुआ है बस लेके, मतलब बस वाला लेके, और यहाँ पे गाने बजा रहे हैं। धीरज, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिस इज कॉल्ड द रियल ट्री। ये डोरेमोन वाली जैकेट। अब मैं आप लोगों को एक जादू दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि आप, ये पॉकेट खाली है, इसमें बस ये SID कार्ड है। अब मैं इसको डालूंगा इधर। वेरी डेंजरस गाइस, ये बंदा हमारी सिविल का है और ये मैकेनिकल वालों के साथ जयपुर इंडस्ट्रियल टूर पे चला गया और घूम के आ गया। आगे भी गया था उनके खर्चे पे, खर्चा अपना था, पर गया उनके साथ। जिगरा हो तो ऐसा किसी की बरात में घुसने का। तो फाइनली गाइस हम निकलने वाले हैं, देख सकते हो ये सब खाली हो चुका है, बस भर चुकी है, और हमेशा की तरह इस बार भी मैं लेट चढ़ूंगा, रूल है रूल। गाड़ी स्टार्ट कर, बस स्टार्ट हो चुकी है। ये ड्राइवर हमारा ऑटो पायलट पे बस छोड़ के आया। धीरज, बस ऑटो पायलट पे छोड़ के आया ना, बस ऑटो पायलट पे छोड़ के आया ना, मतलब खुद चल रही है ना ये, थोड़ी देर बाद जाके यहाँ चलाएगा। अभी बस अपने आप रिवर्स हो रही है, देखते हैं क्या सीन बनता है। और शायद मैं आपको बताना भूल गया, हम जा रहे हैं, हम पटियाला जा रहे हैं, पटियाला पर कोई जगह का नाम मुझे पता नहीं है। तो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट का टाइम आ चुका है, हमारी बस से यहाँ पर रुक चुकी है, और आपको ढाबा दिखा देते हैं। ये देख लो, हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, जिराफ, सब कुछ यहाँ पर है, स्वागत में खड़े हैं। चलाना यार, बैठ जा इस पे। तो जिराफ तो काफी छोटा होता है। ओ, ये तो नकली है, ये तो नकली है। ऐसे कैसे आए ना बताए और चल बड़े, ऐसे कैसे आए ना बताए और चल बड़े। ये ढाबा नहीं, किसी की शादी पे आए हुए लग रहा है। ओए राशि, राशि इतने बैठने की जगह नहीं, गाइस हम देखो कहाँ बैठे हुए हैं। और राशि देखना किधर है, आज तो कोई ये की ऐश है, इसका ढाबा है। तो इधर मेरे को लगता है किसी का बर्थडे मनाया गया है।
कुशागर तेरा बर्थडे है ना। हैप्पी बर्थडे इसकी सेलिब्रेशन में यहाँ पर जुटे सकते हो। ये चंडीगढ़ के डॉन बस एक्साइटेड है इंडस्ट्रियल टूर के लिए। हम क्या करने जा रहे हैं, हम कितनी इतने एक्साइटेड है जी, मतलब छत पे कूद जाना मैंने तो जाके गाँव बसा नहीं। ये पहले आ गया देख लो, अभी रोटी रखी नहीं की पहले आ गया खाने। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस फाइनली खाना आ चुका है, आलू के परांठे अचार बटर वगैरह ये खाने खा रहे हैं। तो चलो मैं खा के मिलता हूँ। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट बाकी बहुत सही बनाई है इन्होंने, मतलब जो परांठा है उसमें आलू की फिलिंग और दही तो काफी जबरदस्त बनाया हुआ है। ये खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब जाने दो वो बातें कहाँ, तो तेरी यादें जो बिगाड़े दो हाँ, अब सुना दे पूरी दास। देख लो इसको, इसकी धर्मपत्री मिल चुकी है, क्या जोड़ी है। हाँ हाँ तगड़ा लग रहा है, तगड़ा लग रहा है। तो गाइस हमारी ब्रेकफास्ट हो चुकी है, लूसी हो चुकी है ना, वो देखो वो निखिल क्या कर रहा है कोने में पता नहीं। अरे देवा ये गड़बड़े बाबा, तो उसकी तरफ फोकस नहीं मारते। तो खाना तो काफी बढ़िया था, चलते हैं यहाँ से। चल रहे हैं ना, इतना इतनी तो हमने पेमेंट नहीं की होगी जितना हमने बिल फाड़ दिया होगा। चलो वो पैसे तो हमसे कॉलेज वालों ले लिए थे, अब वो खुद देखेंगे आगे उनकी कमाई होगी रेस्टोरेंट वालों की। कहीं ऐसा ना हो कि हमको मतलब सर बोले आप जाओ अकेले, मैं यहीं पर रुकता हूँ, देखते आगे क्या होता है। इसीलिए मैं इनको भी लाता नहीं हूँ। ये देखो यहाँ पर शीशा देखा नहीं, ये सारे शुरू हो गए फोटो लेने। चलो इसी बारे में वीडियो बना लेते हैं, तो देख सकते हो ये देखो ये क्या है, ये किसी मॉल में जाएंगे वहाँ पे भी बस बाथरूम में पीछे 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 देखो पीछे पीछे तो देखो। इसको इसके बचपन का प्यार मिल गया, जब भी मार जैसे भी चुपका। सिक्स पैक है साइड में निकले, बीच में नहीं साइड में चले गए। असंभव असंभव। इसने काफी जिम मारी हुई है, देख लो इसकी क्या बोलते हैं यार इसको, सिक्स एप्स नहीं बोलते, इसके विंग्स इसके लैट्स बने हुए हैं, मूछें भी खतरनाक है, तलवार नहीं निकलती। अच्छा इसकी डिग्री हो चुकी है, अब इसको ट्रैक्टर गिफ्ट मिला है। तो दोस्तों हम फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस हम निकलने वाले हैं, हम मिलेंगे आपको शायद पटियाला। साथी मेरे साथ ना कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, या ओ मेरा साथी मेरे साथ ना। तो गाइस देख सकते हो पता नहीं वो कौन से रास्ते पे ले आया, हमारी गाड़ी फंस गई है। बस के सारे बच्चे बाहर, मैं और धीरज, बस के सारे बच्चे अंदर है, हमें और धीरज बाहर, गाड़ी फंस गई है। क्या लगता है धीरे निकलेगी, प्राइवेट ट्रेन लग रही है। ओ लग गया शीशा सा, बहुत ही रिस्की काम है यहाँ पर, और यहाँ पर निकाल ली, खतरनाक बंदा है। देख सकते हो गाइस हमने जैसे कि किसी तरीके से बस निकलवा दी है ना धीरे, और अब हमको बस चलाने के लिए सौंप दिया। अंदर देख लो बच्चे बैठे हुए हैं, दिखेगा नहीं शीशा लगा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है। उनको पता ही नहीं अब हम बस चलाएंगे, और हम ऐसे चलाएंगे कि धूम फोर तो ना बनी अभी तक, बन जाएगी, चलो अभी बन जाएगी, रोड ही सिंगल रोड है, देखते हैं कहाँ पर लेके जा रहे हैं। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, ये हमारी बस रुक चुकी है, अब देखते हैं आगे चलना है, पता नहीं कितना चलना है वो नहीं पता, पर यहाँ पर जहाँ पर नजर जा रही है बस फाउंडेशन नीम सब यही दिख रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। निखिल कूद जाए यहाँ पे, कूद जाए इसके अंदर, दिख रहा है जाना भी तो काफी तेज है, गर्मी भी है थोड़ा, मतलब गर्म है चंडीगढ़ से। इंडस्ट्री टूर भी इतनी सही होती है, मैं बार बार आऊंगा। आते साथ समोसे दे दिए, चलो खा लेते हैं। तो सर ने अब हमको जो समझाना था समझा दिया, अब देखते हैं साइड पे लेकर जा रहे हैं, पता नहीं क्या बताया है, बताया कि एक छोटी नदी एक बड़ी नदी है, वहाँ पर चेक डैम्स में आए हुए और वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स है उससे कैसे वाटर ट्रीट किया, और एक साइकिल ट्रैक की कंस्ट्रक्शन और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन की हुई है, अब देखते हैं साइड पे कहाँ तक लेकर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो काफी कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन कह दी है,
मिलते हैं आपको आगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तो मौत का कुआं बना रहे हैं। देखो वहाँ से एंट्री करेगा बंदा, यहाँ पे रेस्ट चलाएगा, है ना धीरे, और ये मौत का कुआं स्टेडियम बीच रहे हैं। देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब इनका मेन जो रीजन है प्लांट का वो ये है कि जो अनट्रीटेड वाटर आ रहा है जिसमें मतलब सीवेज है गंद वगैरह, तो यहाँ पर इसको ट्रीट करेंगे, मतलब एक चेक डैम सा बना रहे हैं इसका फ्लो मेंटेन करने के लिए, और यहाँ से जो भी वाटर ट्रीट होके आगे लोकेलिटीज में जाएगा। आगे मैं आपको आगे से समझाऊंगा जब मुझे पता चलेगा। हमारे सीआर साहब कुछ कहना चाहोगे? आपके तन बदन और आप अगर आपको बुझाना चाहते हैं तो रात को 9 से 5 में फोन कीजिए, नंबर 9876025। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं, मसाज की बात हो रही है। ये आदमी है, ये बेटा ये काटने में एक्सपर्ट है, और मैडम ये काटता है, ये कटवाता भी है। इस वाले साइड पर काम खत्म होगा, अगली साइड पे जाएंगे। यहाँ राणे 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 अगली साइड पे जा रहे हैं हम भाई, मजा आ गया भाई, इतना बढ़िया सीखने को मिला हमें सबको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीखने को मिला। अभी हम समझा रहे हैं अपनी बसों की तरफ, क्या लगता है साइड चेंज करनी है? कुछ पता नहीं क्या होने वाला, क्या बोले जा रहे हैं मनुष्य, अभी हमको कुछ नहीं पता क्या होगा, मिलते हैं हम आपको आगे। वापस बस में बैठ चुके हैं तो हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं। अभी साइड पता नहीं कहाँ पर है, बस जाके बच लेगा। ये देखो बस में सो गया है, इधर सर पढ़ा रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो देखेंगे जैसे भी खुदाई। ये असली इंडस्ट्री, ये असली इंडस्ट्री टूर, जेसीबी की खुदाई, वही ना वो पढ़ रहे, देखते रहे हम तो देखेंगे जेसीबी खुदाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, इसे की जरा देने वाला है इसको, ये बहुत जिंदगी से तंग आया हुआ है पता नहीं क्यों, ये बोर था पता नहीं मुझे, मैस वाले परांठे आलू में परांठे कम डाल के देते हैं, सुसाइड करने वाला है। यहाँ से वापस जा रहे हैं हमारे सर, वो भी सर, वो मैडम, और हम सारे बच्चे अपने माँ बाप के। ऐसे कैसे आए ना बताए, अरे जल भरे शीशे के मकानों। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम लास्ट साइड पे आ गए हैं, करीब एक घंटा हमने वो ट्रेवल किया, और सच बता रहा हूँ पूरी गाड़ी में पूरे रास्ते में अभी मैं सोया हुआ था, और कसम से वो पिछले दो साइड में काफी धूल मिट्टी थी, ऐसे मेरी आंखें भी नहीं अभी खुल रही है, काफी धूल मिट्टी लग रही है। तो लास्ट साइड है, देखते क्या होता है। ये निखिल अब तो शाम सी हो गई है, अब क्या ही करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, सिविल इंजीनियर ले रहे हो जो भी आगे ले रहे हो सिविल इंजीनियरिंग, मजा बहुत है, साइड पर जाना पड़ता है, थोड़ा एडवेंचरस तो रहेगा। चलो मैं आपको आगे जूते देख लो हमारे, वाइट से क्या मिट्टी वाले हो गई है। चलो हम आपको मिलते हैं आगे, हम अपनी फाइनल साइड पर आ चुके हैं, अब देखते जो सर हमको बताते हैं, बाकी हम आपको आगे बताते ही रहेंगे साथ साथ। माने ना माने दिल मेरा तू ही तो जाने। गाइस दिस इज आवर इंडस्ट्रियल टूर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फोटो खींच लिया, कुछ भी बोल के डाल दिया, स्पेशल मनाली ट्रिप छोड़ के आए हैं। हां यहां पे हमें मौत के कुएं दिखाए जा रहे हैं, जिनमें कोई बाइक भी नहीं चला रहा यार, इनमें मौत भी नहीं मिलने वाली यार, तड़पेंगे सिर, ग्रेड्स भी नहीं मिल रहे, एफ मिलेगा। अब हम रिस्की काम करने जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर के। ऐसे कैसे आए ना बताए, अरे चल बड़ी ऐसे कैसे आए ना बताए, अरे चल बड़े ऐसे कैसे आए ना बताए, अरे चल बड़े। वो चाइल्ड जिसका चाइल्ड लेबर हुआ है, तेरा चाइल्ड लेबर हुआ, तेरे को कैसा लग रहा है? दोस्तों देख सकते हो प्रोजेक्ट का अमाउंट लगभग 191.35 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो गाइस फाइनली हम चल रहे हैं अपनी बस की तरफ, और इसके बाद में सीधा देखते हैं कि कुछ खाने के लिए शायद बस रुके। फाइनली डिनर के लिए रुक चुके हैं मयूर सिमरन पता नहीं ढाबा, अब चलते हैं यहाँ पर। खाना मिल चुके हैं भीड़ में लगने के बाद, और खाना तो बहुत तगड़ा लग रहा है, शाही पनीर सब्जी मिक्स और नान, कैसा है कैसा है? इसका मतलब है इसको ज्यादा खाना पीना है, कुछ पानी पीना है। तो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत ही बढ़िया था। अब हम आए थे हाथ वगैरह धोने, तो फोन की बैटरी मेरी रह गई है 5%, तो देखता हूँ मैं शायद आपको कॉलेज जाके मिलता हूँ, अभी हम जा रहे हैं फिलहाल निकल रहे कॉलेज के लिए, चलो मिलते हैं। तो गाइस हम फाइनली यहाँ से निकलने वाले, इनसे पूछते हैं इनका कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडस्ट्रियल टूर का? बोरिंग था सबसे ज्यादा, मजे इन्होंने किए फिर भी बोरिंग था।
चलो अब हम कॉलेज जाके मिलते हैं। ठीक है ठीक है। फाइनली हम कॉलेज पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लास्ट अटेंडेंस लग रही है। बूथ देखते हैं, कुछ बूथ है केड़ा बूथ हमारे कॉलेज बहुत सारा बूथ किया है। अच्छा ठीक है समझ गया। तो फाइनली गाइस मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो अब मैं कोशिश करता रहूंगा कि रेगुलर मतलब वीडियोस लाता रहूं। तो अब चैनल के साथ बने रहिए अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय। भगनी भा